ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। औरंगाबाद में रैली का ऐलान करने वाले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को इफ्तार पार्टी का न्योता मिला है। खबर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ठाकरे को इफ्तार के लिए आमंत्रित किया है। खास बात है कि मनसे प्रमुख की रैली से पहले औरंगाबाद में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी थी। हालांकि खबर है कि कुछ शर्तों के साथ उन्हें रैली की अनुमति मिल गई है। औरंगाबाद से एमीम सांसद इम्तियाज जलील ने ठाकरे को इफ्तार पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने शहर में शांति और सद्भावना के प्रयास में यह फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में रात रुकने के बाद ठाकरे शनिवार सुबह औरंगाबाद के लिए निकल सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही मनसे प्रमुख ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया है। मनसे के एक नेता ने कहा, पुलिस ने रैली आयोजित करने के लिए 15 शर्तें रखी हैं। रैली को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, जितनी बार उन्होंने राज ठाकरे ने अपना मत बदला है वह पीएचडी के लिए एक विषय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का कहना है, रैली ने राज्य के लोगों को बीच काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है। मनसे नेताओं ने भाजपा के साथ मनसे के गठबंधन की बात से फिलहाल इनकार किया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पार्टी के नेता नितिन सरदेसाई ने कहा, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल भाजपा के साथ गठबंधन के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मनसे के साथ गठबंधन के लिए कोई चर्चाएं नहीं है और न ही किसी तरह का औपचारिक प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का कहना है, भाजपा और मनसे के बीच गठबंधन का फैसला इस देश के लोग करेंगे, राजनेताओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।